लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस फुल एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने पूरे मध्य प्रदेश में फॉगिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक रात में 8,000 अपराधियों को धर दबोचा गया। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक्शन में सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन के निर्देश पर एमपी पुलिस ने चलाया ऑपरेशन क्राइम। एक रात में 8,000 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। मोहन के निर्देश पर चला स्पेशल ऑपरेशन, थर थर कांपने लगे अपराधी। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। इस बार एक्शन लिया गया है प्रदेश के लिस्टेड अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का। बता दें कि सीएम मोहन ने पुलिस महकमे की हाई लेवल बैठक ली और पुलिस अफसरों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ें और किसी भी हाल में क्राइम कंट्रोल करें। मोहन के निर्देश के बाद पुलिस ने पूरे मध्य प्रदेश में हाई लेवल स्पेशल ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ 15,000 पुलिसकर्मी आधी रात को ऑपरेशन पर निकले। इस ऑपरेशन में डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी, थाना प्रभारी सहित आला अफसर सड़कों पर उतरे। रात में 1 बजे देवास, 2:30 बजे सीहोर, 3 बजे कोहफिजा थाना क्षेत्र में दबिश दी गई। मोहन के नेतृत्व में इस कॉबिंग ऑपरेशन में एक ही रात में 8,000 से अधिक अपराधी वारंटी पकड़े गए। फरार अपराधियों की धरपकड़ की गई। स्थायी और गिरफ्तार वारंटियों की तामीली की गई। जिला बदर अपराधियों की चेकिंग भी सुनिश्चित की गई। कुल मिलाकर इस अभियान से एमपी पुलिस ने यह संदेश दे दिया है कि अपराध को लेकर अब सख्ती जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।